How does monkeypox spread? What are some preventive methods? And does it have the same type of fatality as the coronavirus? Right, so coming to your first part, how does monkeypox spread? Initially, monkeypox actually is a zoonotic disease, yani ki ye animals se humans mein aati hai. Right, and then जब एक इंसान को हो जाती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. In fact, reverse transmission is also possible. एक इंसान जानवर को भी फैला सकता है. So, एक बार किसी इंसान को होने के बाद contacts के through ये बीमारी फैलती है. Preventive measures, right? So we are living in India, right? So the best way to greet somebody is say namaste. So I would advise that don't unnecessarily greet people by shaking hands. गले मत मिलिए ज्यादा, दूर रहिए, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 6 feet एंड अननेसेसरीली चीजों को टच मत कीजिए. और अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है और किसी को सस्पिशियस तरह का रैश आ रहा है तो उनसे तो स्पेसिफिकली दूर रहिए और उनको डॉक्टर से मिलने की सलाह दीजिए ताकि उनको समय पे सही ट्रीटमेंट मिल पाए. कोरोना वायरस वॉज ए न्यू डिजीज. Most of us are still learning about coronavirus. हम अभी भी सीख रहे हैं कि कोविड कैसे फैलता है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड थी उसमें बहुत ज़्यादा फेटेलिटी रेट थी, यानी कि बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, लेकिन मंकी पॉक्स में मौत के चांसेस काफ़ी कम हैं. कुछ दिन पहले तक जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉग्नाइज केसेस थे मंकी पॉक्स के, उनका नंबर अराउंड 16-17 हज़ार था और 5 deaths रिपोर्ट की गई थी, यानी कि रेट जो है लेस देन 1% है. बट स्टिल छोटे बच्चे, डायबिटिक्स, कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, जो लोग लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इन सबको चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ बढ़ जाते हैं. तो उनको जो है अपना ध्यान ज़्यादा रखें. एज ऑफ नाउ द क्लिनिशियंस और एपिडेमोलॉजिस्ट, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो इस बीमारी पे काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये एक लार्जर आउटब्रेक नहीं बनेगा. इसको हम कंटेन कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें. कोविड जितनी बड़ी बीमारी ये शायद नहीं बनेगी.